एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो क्या आप भी सैटरडे संडे बोर हो रहे हो? यार मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कहीं और लेके चलते हैं, मतलब मार्केट शॉपिंग एंड ऑल, इस सारे चीज़ों को साइड में रख के एक थोड़ा सा पीसफुल से जगह पे आपको लेके चलते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ एकदम से, मतलब बहुत पुराने वाला, 300 साल पुराने वाला जो टेम्पल है, चंद्रिका देवी टेम्पल, वहाँ पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। हम निकले थे गोमती नगर से, फिर वहाँ से विकास खंड से होते हुए हम सीतापुर रोड को टच हुए, एंड देन आगे हम एग्जैक्टली हमें जो चंद्रिका देवी टेम्पल की ओर जाना था उसी वे से निकले हैं। तो ये कुछ साइंस है जिसकी हेल्प से आप आ सकते हो। वैसे तो मैं आपको गूगल लिंक दे दूँगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप आराम से वहाँ पर जा सकते हो। सो गाइज़, अभी हम एग्जैक्टली जो मेन गेट है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ से अभी हम अंदर जाने वाले हैं। फिर भी अंदर जो टेम्पल है ना, वो 11 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ से ना हमारा जो रियल चंद्रिका देवी मंदिर की ओर जाने का जो रुख है अभी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हल्की सी बारिश भी हो रही, तो मौसम इतना सुहाना सा था ना, और इतना अच्छा फील हो रहा था। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से ये 29 किलोमीटर आगे है, और अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट से देख रहे हो तो ये 45 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है, और बीच बीच में ऐसी बहुत सारी प्यारी सी जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हो। अभी हम चंद्रिका देवी टेंपल के साइड में निकले हैं, जो हाईवे से लेफ्ट टर्न लेके हम अंदर आए हैं। शायद 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, अभी आगे थोड़ा जाना है। सो ये सबसे पुराना मंदिर है लखनऊ का, तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बस थोड़ी सी मस्ती हो रही है ठंडी हवाओं के साथ, बहुत प्यारा सा मौसम यहाँ पे था। चलिए आपको कुछ हिस्ट्री इसकी बता देते हैं। जैसे कि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है चंद्रिका देवी मंदिर, लखनऊ के बख्शी कस्बे में स्थित है। एक मान्यता के अनुसार गोमती नदी के पास महीसागर तीर्थ के किनारे एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में नव दुर्गा के साथ उनकी वेदियां कई वर्षों से सुरक्षित रखी हुई है। शास्त्रों के मुताबिक पांडव वनवास काल में द्रौपदी के साथ इस पवित्र स्थान पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा था। यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, बट आपको सीधे रास्ते से ही जाना होता है, और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत पीसफुल सा यहाँ पे जो एटमॉस्फियर था ना, वो बहुत बढ़िया हुआ था। तो आप अगर सैटरडे संडे यहाँ पे जाना चाहते हो तो ज़रूर जा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जैसे ही आप एंटर करोगे ना, आपको बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप ख़रीदारी भी कर सकते हो। यहाँ पे टॉयज़ मिल सकते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ज्वेलरीज वगैरह एंड ऑल समथिंग, मतलब सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और चूड़ियों का तो बहुत बहुत ज़्यादा कलेक्शन इनके पास है, बहुत सारे वेराइटीज़ की चूड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो गाइज़, मैं स्टोरी कंटिन्यू करते हुए आगे बताती हूँ कि इस युद्ध में उनका पुत्र जो था सूरत सम्मिलित तो हो गया था, बट दूसरा जो पुत्र था सुधन्वा, युद्ध के दौरान चंद्रिका देवी धाम में नव दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था। युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इस महीसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल की कढ़ाई में डालकर उसकी परीक्षा ली गई, परंतु माँ चंद्रिका देवी की कृपा के चलते उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। तभी से इस तीर्थ को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। सो गाइज, ये है जो सुधन्वा जो कुंड है वो आगे दिखेगा, बट ये मेन मंदिर है चंद्रिका देवी दरबार। तो यहाँ से अभी हम एंटर कर रहे हैं। आपको जो भी पूजा का जो भी सामान होगा, पार्किंग वगैरह आपके, सब कुछ आपको बाहर मिल जाएगा। सबकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे से की गई है वहाँ पे।
और रश भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, बाद में बढ़ जाती थी। और इसके जो टाइमिंग्स है, जैसे कि ये 1 से 2 बजे के बीच में दोपहर में बंद रहता है मंदिर, और बाकी का जो आरती वगैरह टाइमिंग है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप ये देखना ना भूलिए। तो चलिए हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति के लिए चंद्रिका धाम स्थित महीसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए आना पड़ा था। तो ये इतना ज़्यादा पवित्र जो प्लेस है या फिर ये मंदिर है, कुंड है, तो इतना ये पवित्र है कि यहाँ पे ना एक बार आप जाके दर्शन कर सकते हो। और अगर आप गए नहीं हो तो आपको घर बैठे मैं आपको चंद्रिका माँ के दर्शन करवा रही हूँ, तो यहाँ से ही आप अपने हाथ जोड़ लीजिए। और कितना मतलब इतना सुकून मिलता है मंदिर के अंदर आप जाओ ना, तो जो उनके दरबार में जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है ना मन को, वो कहीं और नहीं मिलती है। और जो स्वरूप होता है, रूप होता है भगवान जी का, वो मतलब देखते ही रहने का मन करता है। ऐसे उनकी जो प्रतिमाएं होती है वो दिखती है, और उनके ऊपर जो चुनरिया डाली होती है वो भी मतलब आँखों को ऐसे ऐसे सुकून सा मिल रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद हम बाहर आए और अभी भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आगे जा रहे थे। तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। माँ चंद्रिका के भव्य मंदिर के पास से निकलती गोमती नदी की जलधारा चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रवाहित होती है, तथा पूर्व दिशा में महीसागर संगम तीर्थ स्थित है जिसमें शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर के समीप महीसागर तीर्थ की भी अपनी एक मान्यता है। स्कंदन पुराण के अनुसार द्वापर युग में इसका संबंध भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के साथ जुड़ा है, जिसने प्राचीन समय में यहाँ घोर तप किया था। लोक मान्यता के अनुसार महीसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता, यही कारण है कि इस मंदिर को इतनी ख्याति मिली। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरिक की पूजा आराधना करते हैं और कुंड में स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं, वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। इस क्यूट से स्नेक को देखने के बाद और एक प्यारा सा म्यूज़िक सुनने के बाद आगे चलते हैं और आपको स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मंदिर की 3 दिशाओं में गोमती नदी फैली हुई है जो मंदिर को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती है। मंदिर की प्रसिद्धि व लोकप्रियता के चलते यहाँ हर महीने में अमावस्या को मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। और सैकड़ों की संख्या में आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और चुनरी के गांठ बांधते हैं। और जब मन्नत पूरी होने पर माँ को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। तो अगर आप भी कोई मन्नत मांगना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके मन्नत मांग सकते हो, चुनरी गांठ मार सकते हो, मैंने भी बांधी है। और भगवान सबको जो चाहिए वो सब कुछ दे। और इतनी सुंदर ये भोलेनाथ जी की मूर्ति है, उतना ही सुंदर जो नीचे की पूजा थी वो भी इतनी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर जाइए। सैटरडे संडे ऑफ रहता है गाइस, और बाहर तो सब कुछ बंद है, तो आप इस मंदिर में जाके एक अच्छा सा सुकून सा दिन यहाँ पे गुजार सकते हो। यहाँ की सबसे खास व अद्भुत बात यह है कि यहाँ की पूजा अर्चना अनुसूचित समुदाय के लोगों से कराई जाती है, जो आधुनिक समय में कहीं और मिलना मुश्किल ही नहीं बट नामुमकिन है। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो अथवा पिछड़ा, माँ चंद्रिका देवी के दरबार में सभी भक्त मथा टेककर अपने मन की मुराद मांगते हैं, और माँ भी मंदिर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। तो अगर आपके भी कोई मनोकामना है तो आप यहाँ पे आइए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, माँ सबका भला करे।
यही वो कुंड है जहाँ पे लोग आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और खुद को पवित्र कर लेते हैं। और हमने भी यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और मेरी बेटी ने भी काफ़ी मज़े लिए हैं। उसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी यानी कि लखनऊ के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की आधी रात में जब भय लगने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई नवदुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका के आभास से उनका सारा जो डर था, जो भय था, वो दूर हो गया था। तभी से इस पवित्र धाम की मान्यता है। जब युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया था तो ये गांव कटकवासा कहलाया था। तब से आज भी इस गांव को कटवारा के नाम से जाना जाता है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे महीने में मेला लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ हर दिन मेला लगता है क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको इतने सारे स्टॉल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जो दुकानें लगती है वो डेली बेसिस पे लगती है, शायद ये लोग यही रहते होंगे। सो गाइस, जब आप टेंपल से बाहर निकलेंगे तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो आपको आगे हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। और लास्ट में ना गाइज, मैंने एक फ्रूट लिया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो फ्रूट कौन सा है, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम लिया था और खाया भी था तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्यारा सा मंदिर हनुमान जी का है तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो आपको ये मंदिर मिलेगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और लगा होगा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। ये ले लो। अरे मैं शूज पहन रहा हूँ, मुझे शूज पहनना है ना। सो गाइज, अभी वीडियो मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर पे और मैं गाड़ी पे ही वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते एंड किया जाए। और आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम है। अभी यहाँ पे अभी बारिश हुई है, उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि